हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपरन अगर रिपेयर हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं, चाहे अपरन का काम कंपनी से हुआ हो चाहे बाहर से भी हुआ हो। अगर एक बार उसका काम हुआ है तो हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। ये लेफ़्ट साइड का अपरन है, इसकी पेस्टिंग आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है जो कि कंपनी से आती है, और बिल्कुल ही इसकी जो लाइन है एकदम सीधी और बिल्कुल सही है, बिल्कुल शेप भी अच्छी है और पेस्टिंग भी सही है। जबकि दूसरे वाले अपरन को कंपेयर करेंगे तो उसकी पेस्टिंग में और इसकी पेस्टिंग में फ़र्क दिख जाएगा आपको। इस पेस्टिंग में अगर ये देखिए, अगर मैं नेल्स के साथ इसको स्क्रैच कर रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ खींचा चला आ रहा है, अगर इसको खींचूंगा तो ये पूरा खिंचता हुआ चला आएगा। तो ये होती है नकली जो पेस्टिंग बाहर से लगाई जाती है बाद में, तो ऐसे आ जाती है। और एक पेस्टिंग होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, अगर उसको मैं अपने नेल से स्क्रैच करूंगा तो मेरे नेल टूट जाएंगे बट वो नहीं हटेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो वो भी बाहर से लगता है। अब इसको नीचे से दिखाता हूँ आपको, नीचे की तरफ से भी इस पर पेस्टिंग कर दी जाती है, जबकि ऊपर से करते हैं इसको नीचे से भी कर देते हैं पेस्टिंग। ये यहाँ पे ये पेस्टिंग कर रखी है इसकी नीचे की भी, तो नीचे बैठकर भी आप देख सकते हैं, और उस एरिया में जहाँ पे पेस्टिंग हुई है नीचे व्हील हाउसिंग के पास में ये रस्टिंग भी आ चुकी है वहाँ पे, और ये साथ में ये जो देख रहे हैं आप ये पेस्टिंग जो बाहर से की गई है। अभी मैं आपको दूसरे तरफ का दिखा देता हूँ कि उस तरफ जिस तरफ नहीं होता उस तरफ नीचे कैसा दिखता है, जिस तरफ रिपेयर नहीं होता। तो उस तरफ जो होती है वो जेन्युइन पेस्टिंग मिलेगी आपको जो कंपनी से आती है, सेम ऊपर जिस साइड जेन्युइन वाली साइड जो पेस्टिंग है वही पेस्टिंग आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो कि पेस्टिंग है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इस अपरन में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है ना ही कोई रिपेयर हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको स्क्रैच करते हैं तो ये ना ही स्क्रैच होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि कंपनी से आता है। और आपको अब मैं दिखा देता हूँ उसको स्क्रैच करके जो अपरन रिपेयर्ड है, नीचे से इसकी पेस्टिंग को अगर मैं नेल्स से स्क्रैच करूँगा तो अभी आप देखना कि इसकी पेस्टिंग नीचे आने लगेगी। ये आप देखिए, ये नीचे ऐसे करेंगे ना तो इस तरीके से देखिए कितनी लूज़ है, और नेल से स्क्रैच करने से बिल्कुल नीचे आ जा रही है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं।